गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइड डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस कान्हा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमने डिस्कस करा था एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या करा था, टू इवेंट्स के लिए हमने एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने प्रूव करी थी, है ना। टू इवेंट के लिए हमारे पास अगर ए एंड बी, अगर मेरे पास टू इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी ला शे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं थ्री इवेंट्स के लिए अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे फोर थ्री इवेंट्स के लिए, तो फोर थ्री इवेंट्स के लिए एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। ये होता है हमारे पास। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री, ए टू और ए थ्री यूनियन को हमने एक्सपोज कर लिया, डी एक्सपोज कर लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी अगर हमने निकाला, तो वी नो दैट हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री। तो सिमिलरली वही आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन डी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी वही आगे वैल्यू पुट करते हैं। हम वैल्यू क्या आई थी, ए टू माइनस ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू यूनियन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू यूनियन ए थ्री। तो है ना, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, then the probability of a1 union a3 union a3 this is equal to probability of a1 plus probability of a2 plus probability of a3 minus probability of a2 intersection a3 minus probability of a1 intersection a2 union a3। ये आगे सेट इक्वेशन। तो वी नो दैट हमने पता जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये चीज़ है मेरे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन ए थ्री यूनियन ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री। तो अगर हम इसमें पुट करें सेकेंड के अंदर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू यूनियन ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री। तो अगेन वी नो दैट हम जानते हैं, अगर मैम इसको करें ना, तो इसको कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस इंटरसेक्शन ए थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, अगर इसको हम सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको सपोज करो ए, इसको मान लो सपोज करो बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू, फिर क्या आएगा, यूनियन ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो उसको सबको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन सबका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रपोर्ट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। थैंक यू।